हेलो फ्रेंड, मैं अर्पिता क्रोशे ट्यूटोरियल से प्रीति बोल रही हूँ। इस नए एपिसोड में जिसमें हम राखियाँ बनाना सीख रहे हैं, इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको राखी बनानी बताई थी मोतियों के साथ और फ्लावर वाली, तो इस एपिसोड में मैं आपके लिए कुछ और नई डिज़ाइन की राखियाँ लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये फ्लावर वाली राखी है, ये क्रोसेट से बनी हुई है मोतियों के साथ। ये पॉम पॉम राखी है जो बहुत इजी है और बहुत आसानी से बन जाती है। ये देखिए लीफी फ्लावर है, ये भी बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो ये जो हम राखियाँ बना रहे हैं, ये सब आप अपने घर में बचे हुए वेस्ट ऊन से बना सकते हैं। ये बहुत इजी है और हमारे यहाँ मोतियाँ भी होती हैं। इफ़ यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे कॉस्मेटिक स्टोर से परचेज कर सकते हैं, ये कहीं भी बहुत ईजीली अवेलेबल है। तो चलिए आज हम एक फ्लावर वाली राखी बनाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये देखिए इस टाइप का ऊन लूँगी, ये थोड़ा फर के साथ है तो ये भी अच्छा जाएगा इसके साथ। और साथ में हम क्रोशिया लेंगे 9 नंबर की, जो मैं रूटीन में लेते आई हूँ। कुछ मोतियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जैसा कि आपको पता है, तो इसमें हम थोड़ी बड़ी मोती लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए, ये पहले हम नॉट लगाएंगे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये ऐसे हम नॉट लगाएंगे इसमें, और ये राखी में मैंने जो बनाया है इसमें मैंने स्टार्टिंग से ही चेन बनाई है और उसके बाद फ्लावर बनाया। तो अभी जो हम राखी बनाएंगे वो चेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम ऐसा रेड धागा ही यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ और धागा बताना लगाना मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया है, उसी से लगेगा। तो यहाँ हम ये देखिए ऐसे हम 6 चेन बनाएंगे, 4, 5 एंड 6, 6 चेन बनाएंगे। और अब मोती डालेंगे हम इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है हम इस क्रोशे का यूज़ करेंगे जिससे ये मोती बहुत इजीली लग जाएगी। ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली ये आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा आ गया। अब हम इस पर इसे अंदर लेते हुए ये देखिए ये चेन बना देंगे। अब हम इसमें 3 चेन बनाते हैं। वैसे मैंने आपको ये बनाने का तरीका अपने पहले वाले एपिसोड में भी राखी जो मैंने आपको बताई थी उसमें भी बताया हुआ है। तो 3 चेन ऐसे बनाते हैं, फिर इस साइड से आकर हम दोबारा से 3 चेन बना लेंगे। ये देखिए इस साइड सिंगल क्रोशेट एंड देन 3 चेन्स, और हम इस मोती को जस्ट टर्न करेंगे। ये देखिए ये हम यहाँ आ गए और हम सिंगल क्रोशेट से इस साइड की चेन में इसे ऐसे लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा बन गया। अब हम इसमें लीफ बनाएंगे, तो लीफ बनाने के लिए डबल क्रोशेट का हम यूज़ करेंगे, 2 चेन एंड और यहाँ धागे लेंगे, यह 5 टाइम लेंगे, 2, 3, 4 एंड 5, जस्ट लाइक अ पॉपी फ्लावर। ये देखिए 3 चेन हम दोबारा से बनाएंगे और इस साइड लास्ट में हम सिंगल चेन के थ्रू इसे क्लोज कर देंगे। ये देखिए इस पे मैंने अलग 2 प्लाई वाला 3 प्लाई वाला ऊन लिया है जिससे कि ये और पफी दिखेगा और राखी बहुत ही प्यारी लगेगी। 2 चेन एंड दोबारा से हम 5 टाइम लेंगे। ये देखिए 2 एंड 3 और ये हमारा
कितना प्यारा लग रहा है। और ऐसा ही हम इसमें एक साइड तीन बना लेंगे और फिर दूसरे साइड भी तीन पफी बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं दोनों ही साइड। है वो बन गया तीन, और तीन हम इस साइड बना लेंगे। इसके लिए आपको इस साइड एक सिंगल क्रॉसेट से आप मोती के इस साइड आ जाएंगे। और अब अगेन अब दोबारा इसमें भी हम टू चेन्स और फोर और टू फाइव टाइम थ्री फोर एंड फाइव टाइम धागे लेकर क्लोज करते हुए पफी फ्लावर बना लेंगे, तीन चिक फ्लावर। ये देखिए मैं लास्ट स्टेप में आ गई हूँ, थ्री चेन्स और सिंगल चेन के थ्रू हम इसको क्लोज कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसमें मैंने थोड़ा ऊन चेंज किया था और इसमें हम रेगुलर जो ऊन यूज़ करते हैं वो हमने यूज़ किया है। तो चलिए इसे हम आगे क्लोज करते हैं। यहाँ से इस बार मैं इसमें जो डोरी लगाऊंगी वो रेड कलर की लगाऊंगी, इसलिए मैंने साथ में इसको नहीं लिया है। तो यहाँ हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसको अब हम यहाँ से कट करके अलग करते हैं। ये देखिए ये फ्लावर हमारा बनकर रेडी है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी लगाना मैंने आपको पहले भी बताया है, तो चलिए अब हम इसमें डोरी लगा लेते हैं। एक धागा लगा लेते हैं जो कि सेम ही प्रोसेस है। ये देखिए फ्रेंड हमारी राखी तैयार हो गई। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राखी बनाते हैं। ये देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राखी बनाते हैं। मैं आपको बहुत इजी स्टेप में एक पॉम पॉम राखी बताती हूँ। बहुत इजी है और कोई भी ऊन से बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। इसके लिए हम ऊन लेंगे और इसमें हमें क्रोशे की भी ज़रूरत नहीं है। पॉम पॉम राखी में आप इसे ऐसे अपने हाथों पे लपेट लीजिए। ये देखिए ये थोड़ा मोटा सा लपेट लीजिए और इसे बीच से टर्न करके यहाँ ऐसे ऐसे बांध लीजिए। तो टाइट बांधिए। ये देखिए इसे दो तीन गांठे लगा देंगे हम। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं। इसको कट करने का बहुत आसान तरीका है ऐसे भी। ये देखिए अब हम इसे छोटा कट कर लेते हैं, इसलिए थोड़ी राउंड शेप में हम कट कर लेंगे। ये देखिए हम इसे बीच से आप थोड़ा दबाव डालिए और इसे ऐसे राउंड शेप दीजिए और थोड़ा और बराबर से इसे कट कर लीजिए। ये देखिए आप रेशम के थ्रेड से भी बना सकते हैं, रेशम धागे जो आपके पास घर में भी होंगे, और उसे भी हम ऐसे पॉम पॉम राखियाँ बना लेते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती हैं। ये देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए अब इसे हम धागे में पिरोते हैं। इसके लिए आपको और इसे हम नीब में डाल लेते हैं। ये देखिए ऐसे थोड़ा बड़ा लेंगे, ये इतना बड़ा मैंने लिया है। डबल धागा कीजिए और इसे कट कर दीजिए। अब हम मोतियाँ पिरोते हैं इसमें। ये देखिए ऐसे धागा डालेंगे। ये मेरे पास पहले से बची हुई भी और मोतियाँ हैं, ये बीट्स लगी हुई हैं। ये ऐसे बहुत इजी है, इसको हम बीच से डालेंगे।
ये हमारी राखी बनके तैयार है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। इसे थोड़ा टाइटली हम इसके साथ में अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारी पॉम पॉम राखी बनके तैयार है। ये 2 मिनट में बन जाएगी और इसे हम यहाँ कट कर देंगे। बीच में लेके आते हैं सारे धागों को। ये देखिए ये हमारी राखी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट कि वो भी बना सकें। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ये लीफ वाली राखी बताऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए और हम अच्छी अच्छी राखियाँ बनाएंगे। ओके, थैंक यू।